इसके लिए मैंने आधा किलो पालक ली है, ये देखिए आधा किलो पालक है और मैंने इसको काट लिया है। ये देखिए पालक मैंने काट के तैयार कर लिया और अब इसको वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये पालक मैंने को पालक वॉश कर वॉश लिया कर है लिया। और इसको 4-5 पानी से वॉश करके थोड़ी देर के लिए साफ पानी में भिगो के रख दिया था ताकि इसकी जितनी भी डस्ट वगैरह हो सब नीचे बैठ जाए। तो अब हम लोग इससे बनाएंगे लहसुनी वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं लहसुनी पालक बनाने के लिए। हम लोग को 2-3 इंग्रेडिएंट्स और चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये लिए हैं 2 बड़े टमाटर चॉप करके लिए हैं, ये मैंने ली है थोड़ी सी लहसुन, करीब 20-25 कली लहसुन की है ये, और इसको अभी हम लोग क्रश करके डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे। मैंने आपको दिखाई है कि मैंने इतनी लहसुन ली है और 1/2 kg पालक के लिए, और ये लिए मैंने 3 हरी मिर्च। और मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। गैस पे कढ़ाई रख दी थी और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी जो लहसुन थी ना वो मैंने उसको ग्रेट कर लिया, वो मैं इसमें डाल देंगे। और लहसुन को थोड़ा सा तड़कने देंगे आप, इसको मिक्स करेंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सुनहरा रंग चाहिए हमें, बहुत डार्क कलर नहीं चाहिए, बस सुनहरा टाइप का कलर चाहिए इसका। तो ये देखिए लहसुन का कलर हमारा सुनहरा हो गया। अब मैं इसमें थोड़ी अपनी हरी मिर्च डाल दूंगी, जो 2-3 मैंने हरी मिर्च काट के रखी थी। और अब इसमें टमाटर डाल देंगे, और अब जो ये मैंने पालक धो के रखी थी इसको मैंने छन्नी में छान लिया, ये मैं डाल दूंगी। नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। मिक्स करेंगे सबको अच्छे तरीके से। ये डिश जो है सिंधीज में भी बनती है और सिंधी में इसको निजी पालक कहते हैं, और ये निजी पालक सिंधीज में चावल के साथ खाई जाती है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आप लोग इसको लहसुनी पालक भी कह सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सबको मिक्स कर दिया है, गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको ढककर गलने के लिए रख देंगे। और लगभग 10 मिनट के बाद इसको खोल देख के देखेंगे कि हमारी पालक जो है गल गई है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। चलिए अब 10 मिनट हो गए, अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो ये देखिए इसने अपना पालक ने सारा अपना पानी और टमाटर ने रिलीज कर दिया है और थोड़ा थोड़ा ये गलना भी स्टार्ट हो गई है पालक हमारी। तो इसको ऐसे ऐसे करके हम लोग जो है मैश करेंगे, और अभी इसमें पानी काफी है, पानी को सुखाएंगे अभी इसका। तो पानी को सुखाने के लिए आप थोड़ा सा इसको ढक के और रख देंगे 5 मिनट के लिए, और फिर 5 मिनट के बाद चेक करेंगे कि हमारी पालक गल गई है और पानी जो है सूख गया है कि नहीं। तो चलिए 5 मिनट हो गए, हम इसको फिर से खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए पालक हमारी गल गई है। हम लोग गैस का फ्लेम जो है थोड़ा हाई कर देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो सूख जाए, और थोड़ी थोड़ी गीली ही पालक ही अच्छी लगती है, जिसको कि हम लोग निजी पालक कहते हैं। थोड़े से मसाले अब डाल देंगे इसमें, नमक और हल्दी मैंने डाली थी, अब थोड़ा सा इसमें पिसा धनिया डालेगा, 1 छोटा चम्मच पिसा धनिया, और थोड़ी सी अमचूर डालेगा, और आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्च डाली थी तो मैंने नहीं डाली है। आप लोग प्रेफर करते हैं तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये मैंने आधा किलो पालक ली थी, आधा किलो पालक से करीब 2 या 3 लोग ही खा पाएंगे इसको। तो आप जब जिस हिसाब से आपके घर में मेंबर हो तो आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। आधा किलो से 2 या 3 ही मेंबर्स इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये सूख जाती है। और फ्रेंड्स जिन लोगों को भी
आयरन की डिफिशियंसी हो तो वो लोग पालक ज़रूर खाएं। पालक में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो जिनका भी खून कम होता है पालक वालक खाने से जो है, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं खाने से उनका जो है हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो आप लोग पालक को ज़रूर बनाइए अपने घर में। तो ये रेसिपी हमारी बनकर लगभग रेडी है। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी रेसिपी आज की। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अंतिम दिन बाय। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। माय फ्रेंड रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है।